12 साल के बच्चे के सपने में आई माता, बना डाली मां काली की सुंदर प्रतिमा, घर में की स्थापना, रोजाना दर्शन करने आ रहे भक्त। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नवरात्रि पर्व में जबलपुर में एक से बढ़कर एक मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित है। कहीं मनमोहक झांकी है तो कहीं 51 फीट की माता स्थापित है। इस नवरात्रि पर्व में धन्वंतरी नगर में विराजी मां काली भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसे कि 12 साल के एक बच्चे ने बनाया है। बच्चे का नाम अजय सिंह है, जिसे कि बचपन से ही आर्ट का शौक है। अजय को अक्सर माता काली सपने में आती थी, जिसके चलते उसने मां काली की प्रतिमा बनाई। अजय के दिमाग में जैसे जैसे माता की तस्वीर आती गई, वैसे वैसे वह प्रतिमा बनाता गया। आखिरकार अजय ने 20 दिन में माता जी की छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई। माता काली के दर्शन करने के लिए अब आरती के समय रोजाना पड़ोसियों की भीड़ उमड़ रही है। जबलपुर के धन्वंतरी नगर में रहने वाले 12 साल के अजय 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई में अजय का मन ज्यादा नहीं लगता, लेकिन पेंटिंग करना और मूर्ति बनाना उसे बहुत अच्छा लगता है। अजय ने बताया कि करीब एक माह पहले उसके माँ काली सपने में आई। अजय ने अपनी माँ को यह बताया और काली माँ की मूर्ति बनाने की जिद की। माँ विजेता सिंह ने बच्चे की जिद मान ली। इसके बाद अजय जुट गया माता काली की मूर्ति बनाने में और करीब 20 दिनों में अजय ने तैयार कर ली खूबसूरत माता की मूर्ति। परिवार के साथ अजय ने बैठकी के ही दिन घर पर माता की प्रतिमा को स्थापित किया। अजय ने बताया कि खेल खेल में इससे पहले कागजों में पेंटिंग और मूर्ति बना चुके हैं, पर इस बार उन्होंने मां काली की प्रतिमा बनाई है। अजय ने कहा कि सबसे पहले माता जी के लिए लकड़ी का बेस बनाया, उसके बाद फिर घास और मिट्टी की मदद से मूर्ति को आकार दिया, इसके बाद कलर किया। 20 दिन की मेहनत के बाद माता की प्रतिमा को तैयार कर लाइटिंग के साथ अजय ने स्थापना की। अजय ने बताया कि दशहरा में विधि विधान के साथ माता का विसर्जन भी होगा, लेकिन नदी में नहीं, घर पर ही, क्योंकि नदी में मूर्ति विसर्जन से प्रदूषण फैलता है। अजय का हुनर का कायल अब उसका परिवार भी हो गया। पढ़ाई को लेकर हमेशा अजय को डांटने वाले माता पिता भी अपने बेटे की इस कला को देखकर खासा खुश हैं। माँ विजेता सिंह का कहना है कि अजय का कभी भी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं, जिसके चलते वह अक्सर ही स्कूल में और फिर घर पर भी डांट सुनता रहता है। अब हमें इस बात की खुशी है कि अजय पढ़ाई में नहीं लेकिन कला में निपुण हो रहा है। पड़ोसी और रिश्तेदारों का कहना है कि जब अजय के द्वारा बनाई गई मां काली की प्रतिमा को देखा तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि 12 साल के बच्चे ने इतनी अच्छी मां काली की मूर्ति बनाई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।